हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरपी पब्लिक स्कूल जो कि ठेर सिबीगंज बरेली में। देखिए यहाँ पर आपके लिए अभी स्टार्ट हो चुका है चैप्टर 3, और चैप्टर 3 का नाम है दो चर वाली रैखिक समीकरण। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके लिए होने वाला है। यहाँ पर पूरा चैप्टर आपको यूट्यूब वीडियो पर मिलेंगे, और यहाँ पर चैप्टर 3 की बात करते हैं दो चर वाली रैखिक समीकरण की। देखिए आपने यहाँ पर अगर बात करें कि आपने एक चर की रैखिक समीकरण को जो है सॉल्व किया होगा, जिसे हम लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं, तो यहाँ पर हम दो चर वाली रैखिक समीकरण को पढ़ेंगे। देखिए दो चर वाली रैखिक समीकरण में दो चर होंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं दो चर कौन से होंगे। दो चर यानी टू वेरिएबल होंगे। यहाँ पर एक वेरिएबल आपके लिए एक्स होगा और एक वेरिएबल होगा आपके लिए वाई। दो चर होंगे इसमें, इस समीकरण में दो चर होंगे, ठीक है। तो एक एक्स होगा और एक होगा आपके लिए वाई, दो चर होंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि एक्स और वाई में, तो यहाँ पर देखिए मैं समीकरण का सामान्य रूप लिख रहा हूँ। सामान्य रूप, सामान्य रूप क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। यह समीकरण का सामान्य रूप होता है। समीकरण का क्या है, ये सामान्य रूप है। और यह समीकरण कब वैलिड होगी इस चीज को चेक करते हैं। अगर सपोज मान के चलिए, माना ए का मान जीरो, अगर मैंने ए का मान जीरो कर दिया, अगर ए का मान यहां पर जीरो कर दिया, तो इस हिसाब से बताइए क्या हो जाएगा, जीरो इंटू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। यानी ये तो जीरो हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। इसका मतलब बी वाई प्लस सी अगर जीरो हो गया तो एक ही तो चर बचा, यानी ये एक चर की रैखिक समीकरण हो गई, एक चर की रैखिक समीकरण। अगर मैं एक को जीरो कर दूंगा, एक को जीरो कर दूंगा, तो एक चर की रैखिक समीकरण रह जाएगी। इसलिए हमें कह सकते हैं कि ए का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से हम कह सकते हैं, माना बी का मान अगर हमने जीरो कर दिया, अगर बी का मान जीरो कर दिया, तो आप ये मान के चलिए बी का मान जीरो कर दो भाई, ए एक्स प्लस बी गुणे बी का मान यहाँ पर जीरो है गुणे बाई प्लस सी बराबर जीरो। तो हमारे पास बचेगा केवल ए एक्स प्लस सी बराबर जीरो। ए एक्स प्लस सी मतलब एक चर बचेगा, वो भी एक्स चर, है ना। तो ये भी एक चर की रैखिक समीकरण हो जाएगी, एक चर की रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। तो ये एक चर की रैखिक समीकरण हो जाएगी, और आप यहां पर कह सकते हैं कि बी का मान भी जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि अगर दो चर की हम रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, तो हम दो चर की रैखिक समीकरण के लिए, दो चर की रैखिक समीकरण के लिए, रैखिक समीकरण के लिए, दो चर की रैखिक समीकरण के लिए ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए और बी का मान भी जीरो नहीं होना चाहिए। यह बात पॉसिबल है, यहां पर कंडीशन होगी कि ए का मान जीरो नहीं हो इस समीकरण के लिए और बी का मान भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर हम इसमें दो चर के युग्म ले लें, दो चर के रैखिक समीकरण के युग्म लें, तो क्या युग्म होंगे इनके, क्या जोड़े होंगे दो के समीकरण के, ए वन एक्स प्लस बी टू बाई बी वन बाई, करो यहाँ पर बी वन बाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, एक ये होगा। एक दूसरी समीकरण ए टू एक्स प्लस बी टू बाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, ये होगा। तो ये दो चर की रैखिक समीकरण के लिए यहाँ पर वैल्यूज कुछ निकालनी पड़ेंगी। जैसे मुझे ए वन बटे ए टू को चेक करना होगा, बराबर बी वन बटे बी टू बराबर सी वन बटे सी टू। इन चीज़ों को हम इनमें कंपेयर करके कुछ तुलनात्मक बातें कह सकते हैं। कौन कौन सी बातें कह सकते हैं हम आपके लिए बता दें, क्योंकि इसमें वो ज़रूरी पड़ेंगी। देखिए अगर ए वन अपॉन ए टू बराबर नहीं है बी वन अपॉन बी टू के, अगर ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू के बराबर नहीं है, तो इससे ये सिद्ध होता है कि एक दूसरे से प्रतिच्छेद करती हैं, रेखाएँ प्रतिच्छेदित हैं, रेखाएं प्रतिच्छेदित हैं, ठीक है। ये बात आप कह सकते हो, प्रतिच्छेदित, प्रतिच्छेदित हैं। ये पहले पॉइंट के लिए हो जाएगा। अगर ऐसा हो कि ए वन अपॉन ए टू बराबर बी वन अपॉन बी टू बराबर सी वन अपॉन सी टू, तीनों का मान अगर रेशियो बराबर है, तो हम कह सकते हैं एक दूसरे का संपाती है, संपाती रेखाएं हैं। कैसी हैं, संपाती रेखाएं, ठीक है। अगर ऐसा ना हो, ऐसा हो ए वन अपॉन ए टू बराबर बी वन अपॉन बी टू बराबर नहीं है सी वन अपॉन सी टू के, अगर ऐसी कंडीशन में आए, तो इसके लिए क्या है, एक दूसरे का समांतर रेखाएं होंगी, एक दूसरे के
समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं एक दूसरे के समांतर रेखाएं होंगी, अगर ऐसी बात होगी तो आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम प्रश्न को स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है 3.1 का, और 3.1 का प्रश्न नंबर यहां पर पहला है अति लघुत्तरी प्रश्न का। तो अति लघुत्तरी प्रश्न का पहला प्रश्न है, अति लघुत्तरी प्रश्न का पहला प्रश्न। ठीक है, तो पहला प्रश्न हम मैं आपको पढ़ के बता देते हैं क्या लिखा है। अनुपातों A1/A2, B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि वो जो रेखाएं हैं या तो प्रतिच्छेदित करेंगी या समांतर होंगी या समपाती होंगी। तो इन रिलेशनों को यूज करना पड़ेगा और निकालते हैं समीकरण को। पहली समीकरण हमारे पास है यहाँ पर 5x-4y और बराबर में माइनस का 8 है, तो हम इसको सही के तरीके से लिख लेते हैं। 5x-4y 8 को इधर ले आओ, प्लस का 8 = 0, ये समीकरण नंबर एक हो गई। दूसरा समीकरण ये हमारे पास 7x+6y = 9 दिया गया, तो इसको लिख सकते हैं 7x+6y और 9 को इधर ले आएंगे, -9 = 0 हो जाएगा। अब कंपेयर कर लेते हैं A1 और A2 का मान। 5 यहाँ पर बटे में 7 है, 5/7 हो जाएगा बराबर में, यहाँ माइनस का 4 है और यहाँ पर है प्लस का 6, तो ये हो जाएगा, और बराबर में यहाँ पर आपके लिए है 8 और यहाँ पर है -9, ये कंपेयर हो गया। अब इसी तरीके से आप कंपेयर कर लो, 5/7 है बराबर में 4/6 = 8/9, क्या कोई ये बराबर है संख्याएं, क्या कोई ये रेशियो बराबर है, 5/7 है, 4/6, 8/9 है। इस हिसाब से अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर जो पहला है, पहले के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगे, इसका मतलब हो गया कि ये जो है बराबर नहीं है। आप कह सकते हो कि A1/A2 ≠ B1/B2, ये A1 और A2 जो ये जो वैल्यू हैं वो बराबर नहीं है, आप कह सकते हो ये जो है प्रतिच्छेद करती हैं, क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर दूसरे पार्ट की, तो दूसरा पार्ट भी आपके लिए कराते हैं। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आपके लिए अब इसका दूसरा पार्ट कराते हैं। तो दूसरा पार्ट हमारे पास यहाँ पर पहली इक्वेशन है 9x+3y और बराबर में लिखा हुआ है -12, तो 12 को इधर ले आओ, 9x+3y + 12 = 0, समीकरण नंबर एक। दूसरा लिखा गया 18x+6y = -24, 24 को इधर ले आओ, 18x+6y + 24 = 0, समीकरण नंबर दो। अब इनके रेशियो को चेक कर लेते हैं, यहाँ है आपके लिए 9, यहाँ है 18, तो 9/18 = यहाँ है 3, यहाँ है 6, 3/6 = यहाँ है 12, यहाँ पर है 24, यहाँ बट लिख लिया, तो 9 × 18, 3 × 3, 3 × 6, 12 × 12, 12 × 24, यानी 1/2 = 1/2 और बराबर में 1/2, यानी तीनों वैल्यूज जब बराबर आए, तीनों रेशियो बराबर आए, तो वहां पर देख सकते हैं अगर तीनों बराबर होंगे तो हम इन कहते हैं संपाती रेखाएं। कैसी होंगी, अगर A1/A2 = B1/B2 के और बराबर है C1/C2 के, तो हम कह सकते हैं ये संपाती रेखाएं होंगी। कैसी होंगी, संपाती रेखाएं, बात समझ गए। तो यहां पर ये आपके लिए हो गया। अब तीसरा पार्ट कराते हैं। देखिए तीसरा पार्ट, तीसरा पार्ट कुछ इस प्रकार है, 6x-3y और बराबर में -10 लिखा हुआ है, 10 को इधर ले आएंगे, 6x-3y + 10 = 0, समीकरण नंबर एक। ऐसे ही 2x-y = -9 दिया गया है, तो 2x+-y और +9 = 0, समीकरण नंबर दो। अब इनकी भी कंपेयर कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए 6, यहाँ 2 है, तो 6/2 = यहाँ -3 है, यहाँ -1 है और बराबर में यहाँ 9 है और यहाँ पर आपके लिए कितना है, 10 है, तो 10/9। देखो यहाँ पर 2 × 3 = 6, यानी 3/3 यहाँ 3 आ जाएगा और बराबर में 10/9, तो ये तो इसके बराबर है लेकिन 10/9 ये नहीं बराबर है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि A1/A2 = B1/B2 ये तो बराबर है, ये तो बराबर है, लेकिन ≠ C1/C2 अगर ये बराबर नहीं है, तो इस कंडीशन से हम कह सकते हैं कि अगर ऐसा है तो एक दूसरे के रेखा जो है समांतर होंगी, रेखाएं समांतर होंगी, समांतर होंगी, रेखाएं समांतर होंगी। तो यहाँ पर आपके लिए ये जो पहला प्रश्न था वो एक्सरसाइज का यहाँ पर
हो गया पहला प्रश्न। आप बात करते हैं यहाँ पर दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है, दूसरा प्रश्न क्या है ध्यान से सुनेंगे। एक आयताकार भाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो एक हम आयताकार भाग बना लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से। इसकी ये लंबाई है और यह है इसकी चौड़ाई, ठीक है, ये है इसकी चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई। तो अगर मैंने ये माना लंबाई और चौड़ाई, लंबाई अगर एल मानूंगा और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, देखें लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अगर चौड़ाई को मानो अब भी तो लंबाई हो गई, यहाँ पर लंबाई कितनी हो जाएगी 4 मीटर अधिक है, यानी बी प्लस चार लंबाई हो गई है, ये लंबाई हो गई। और कह रहे हैं कि इसका जो अर्ध परिमाप है वो 36 मीटर है, तो बाघ की बीमाएँ याद कीजिए, अर्ध परिमाप यानी आधा परिमाप इनका है। अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से, अगर मैं इसके परिमाप की बात करूँ तो परिमाप होता है इसका 2 गुणे एल प्लस बी, ये होता है। और जबकि इसका परिमाप आधा है, तो परिमाप आधा होने का मतलब है परिमाप बटे में 2 कर दो, परिमाप और बटे में 2 बराबर में 2 गुणे एल प्लस बी। तो भैया यहां पर देखिए इस तरीके से हो गया, यानी अगर मैं परिमाप निकालूंगा तो परिमाप बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 गुणे एल प्लस बी, है ना। तो यहाँ पर हालांकि आपके लिए अर्ध परिमाप 36 मीटर दिया गया, तो आप यहाँ पर 4 ना करिए, यहाँ पर 2 ही रखिए और परिमाप की जगह पर लिख दो 36। तो 2 को इधर ले आओ तो 36 बटे में 2 बराबर एल प्लस बी, 2 से काट दो, यहाँ पर 2 एक कम 2, 2 और 2 अट्ठे 16, यानी एल प्लस बी बराबर यहाँ पर हो गया आपके लिए 18, एल प्लस बी बराबर 18 हो गया। तो यहाँ पर देखिए एल का मान कितना है, बी प्लस 4, यहाँ रख दो एल का मान बी प्लस 4 प्लस का बी बराबर में 18, तो b और b मिलकर के कितना होगा 2b प्लस 4 इक्वल टू 18, और 2b बराबर हो जाएगा 18 माइनस 4, तो 2b बराबर 18 में से 4 के यहाँ पर आपके लिए आ गया 14, और b बराबर हो जाएगा 14 बटे में 2, 2 सत्ते 14, यानी b का मान कितना आ गया 7। ब्रेथ अगर 7 है तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, तो लंबाई हो जाएगी आपके लिए b प्लस 4 यानी 4 अधिक, तो ब्रेथ है 7, तो 7 प्लस 4 यानी लंबाई कितनी हो जाएगी 11, तो लंबाई इसकी 11 हो जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर आपके लिए जो प्रश्न हो गए हैं वो 2 हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो तीसरा प्रश्न है वो नॉर्मली प्रश्न है। इसमें एक रैखिक समीकरण 2x + 3y = 8 दी गई है, दो चरों से एक रैखिक समीकरण ऐसी लिखिए जिससे कि प्राप्त युग्म का जो निरूपण है वो प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं हो जाए, समांतर रेखाएं हो जाए और संपाती रेखाएं हो जाए। तो ऐसी जो है आपको रेखाएं लिखनी है, तो कैसे हम आपको बता देते हैं कैसे लिखनी है यहाँ पर। तो आप इधर देख सकते हैं यहाँ पर ध्यान से तीसरा प्रश्न जिसमें आपको रेखाएँ लिखनी है। तो रेखाएँ लिखने के लिए यहाँ पर देखिए कुछ रेखाएँ यहाँ पर दी गई हैं जो कि रैखिक समीकरण का युग्म बना देंगी, और यहाँ पर आपके लिए समीकरण लिखनी है 3, ठीक है ना। तो तीनों समीकरण जो प्रतिच्छेदित करती होंगी उनका क्या होगा, जैसे पहले के लिए अगर हम बात करें प्रतिच्छेदित करती अगर रेखाएँ होंगी तो एक ऐसा मान होना चाहिए जो a1/a2 और बराबर में b1/b2, ये बराबर यहाँ पर प्रतिच्छेदित के लिए आप देख सकते हैं ये बराबर नहीं होना चाहिए, यानी नॉट इक्वल टू बराबर, तो यहाँ पर प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं हो जाएगी। सिंपली 2 ही क्वेश्चन ऐसे मान सकते हैं। ऐसे ही दूसरी कंडीशन में अगर बात करेंगे हम, तो a1/a2 बराबर में b1/b2 और बराबर में c1/c2, अगर ऐसी वैल्यू हो जाए इस समीकरण के साथ तो आपके लिए कैसी होंगी, तो संपाती होंगी, संपाती। और अगर यही थर्ड की बात करूं तो a1/a2 बराबर b1/b2, ये तो बराबर होंगे लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होंगे, तो इसलिए हम इनको कह सकते हैं समांतर रेखाएं, ठीक है, समांतर रेखाएं। ऐसी रेखाएं आपने अभी पीछे पढ़ी जो कि मैंने सॉल्व करके आपको बताई, तो उन्हीं रेखाओं को आप लिख सकते हैं इन एग्जाम्पल्स में कि आपके लिए कौन सी रेखाएं किस तरीके से बिहेव करेंगी। तीनों प्रकार के 2 जोड़े लिख सकते हैं, 2 समीकरण का जोड़ा लिख सकते हैं जिनमें ये इक्वेशन होंगी। तो आप देखें यहाँ पर आपके लिए 3 प्रश्न हो चुके हैं और तीनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके लिए क्या है कि इंपॉर्टेंट प्रश्न हो रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो रहे हैं आपके लिए। और इसमें आपके लिए जो है चौथा प्रश्न बचा हुआ है, फिर आपको लघु उत्तरीय प्रश्न कराए जाएंगे। इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए होने वाले हैं। 14 प्रश्न है यहाँ पर। समीकरण दी गई है x - y + 1 = 0, और दूसरी समीकरण दी गई है 3x + 2y = 12 का ग्राफ खींचिए, यहाँ पर इसका ग्राफ बनाना है, ग्राफ खींचिए,
तो कैसे ग्राफ को इसको बनाएंगे जरा ध्यान से देखेंगे। इस 12 को जो है इसी तरीके से रहने देंगे, लेकिन 1 को यहाँ समीकरण 1 को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, x माइनस वाई, और 1 जो है वो इधर ले आएंगे, और बराबर में यहाँ पर कुछ नहीं है। तो इसी तरीके से यह समीकरण नंबर 1 हो गई, इसको मानो 1 और इसको मानो 2। तो इन दोनों समीकरणों से कुछ बिंदु निकालने पड़ेंगे। पहला समीकरण हमारे पास है 3x प्लस 2y बराबर में 12, तो इसका हम यहाँ पर निकाल लेंगे एक्स वाई, और ये इस तरीके से एक्स का मान अगर 0 रखेंगे तो आप देख सकते हैं वाई का मान कितना आएगा, तो 2y बराबर 12, और वाई बराबर 12 बटे 2 यानी 6, वाई का मान आ जाएगा 6। और वाई का मान अगर 0 रखेंगे तो एक्स का मान आ जाएगा 3 × 12 = 4, तो इसका मतलब हो गया 0, 6 और 4, 0, यहाँ पर 2 पॉइंट हो गए समीकरण के। अब यहाँ पर इस समीकरण के भी निकालेंगे एक्स माइनस वाई बराबर में माइनस 1। देखिए एक्स का मान वाई का मान, एक्स का मान अगर 0 रखेंगे तो वाई का मान आएगा 1, और वाई का मान 0 अगर रखे देंगे तो एक्स का मान आएगा माइनस का 1। इसका ग्राफ खींच लेते हैं, देखो यहां पर ग्राफ खींचेंगे, अगर एक्स का मान 0 है तो वो तो 0 ही रहेगा, वाई का मान 6 लेना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहां पर ये। और इसी तरीके से यहां पर देखिए इसका ग्राफ, इस लाइन का बना रहे हैं, इस लाइन को 4, x पर 4 है, यानी x पर हम 4 बनाएंगे, तो इधर बनाएंगे x पर 4, 1, 2, 3, 4, तो ये एक रेखा तो ये हो गई, एक रेखा कौन सी हो गई, एक 4, ये आपके लिए 6 और 4 वाली इस तरीके से रेखा हो गई, और एक रेखा यहाँ पर बनेगी इसके लिए, तो इसके जो पॉइंट होंगे वो 0, 1 और -1, 0 होंगे, तो x एक्सिस पर 0, y पर 1 चलिए यहाँ तक, और यहाँ पर जो है इसके लिए x पर -1 है, तो x पर -1 इधर है -1, और y पर 0 है, तो इस तरीके से यहाँ पर इसकी रेखा खींचेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से एक रेखा हो जाएगी और ये एक त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसका कोऑर्डिनेट 3 होगा, 0, 3, और ये इसका बिंदु होगा इस तरीके से, ये ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा ही आपको ग्राफ बनाना है, और बहुत ही सिंपल तरीके से ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि यहाँ पर पहले समीकरण को सॉल्व करना है, दूसरे समीकरण को सॉल्व करना है, और आपके लिए ग्राफ बना देना है। तो यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न के आपको चारों जो प्रश्न है, चारों प्रश्न आपके लिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न के हैं वो हो गए हैं, और फिर हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लघु उत्तरीय प्रश्न कराएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले होंगे। और आपके लिए इतना ही इस वीडियो में बताएंगे, चारों प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।